चलिए हल्ला वाला नहीं, शांत हो जाइए, विशाल बात नहीं कीजिएगा, नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो देख रहे हैं यूट्यूब पर, सबको गुड मॉर्निंग, आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, कल हम लोग फिर से शुरू संस्कृत पढ़ना, मतलब पढ़ रहे हैं, शुरू किए हैं। कल फर्स्ट दिन पढ़े थे मंगलम पाठ, पढ़े थे ना, आज हम लोग पढ़ेंगे पाटलिपुत्र व्यवम पाठ, ठीक है, जो हमारे पाठ्यपुस्तक पीयूषम भाग दो का दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को आप लोगों को पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, एक एक लाइन कर समझाएंगे, और यथासंभव मेरे से जितना हो सके हम आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट समझाने का प्रयास करेंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग भी बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे, करेंगे ना, क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कैसे प्रयास करने से क्या होता है, हाँ, अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, होती है ना। चलिए तो ज़्यादा ऐसे बात नहीं करेंगे, सीधे अब टॉपिक पर आएंगे। पाटलिपुत्र वैभव हमारे पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ है, और किसी भी पाठ को पढ़ते हैं सबसे पहले उसका परिचय होता है, कि परिचय मतलब उस पाठ के बारे में आपको कुछ बताया जाता है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, अंदर क्या हो सकता है, या फिर इसको कहाँ से लिया गया, ये सब बात रहता है, ठीक है। चलिए देखिए, पाटलिपुत्र वैभव पाठ है, इसका परिचय, एक मिनट, ओ स्लाइड चेंज हो गया है, ये वाला है, लिखा हुआ है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम आधारयत्, यानी बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु सभी समयों में सभी कालों में महत्वम आधारयत्, महत्व को धारण किया हुआ है, ठीक है। देखिए आप लोग अगर कारक अच्छे से पढ़े होंगे, ढंग से पढ़े होंगे ना, तो आपको अर्थ निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि कारक के साथ लगा हुआ विभक्ति यानी शब्दों के बीच जो संबंध को जोड़ता है, संबंध दर्शाता है, उसको अगर आप पहचान लेते हैं तो आप अर्थ भी आसानी से पहचान सकते हैं, यानी कि जान सकते हैं। लिखा है कि बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में अपने महत्व को बनाए रखा हुआ है, ठीक है। इतिहास आप लोग पढ़े होंगे तो इतिहास को तीन भाग में बांटा गया है, एक होता है आधुनिक काल, मध्यकाल, और एक प्राचीन काल, ठीक है। तो लिखा है कि सभी कालों में पटना अपने महत्व को धारण किया हुआ है, यानी कि पटना का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ है, बना ही रहा है। लिखा कि अस्य इतिहासः सार्ध सहस्र द्वे वर्ष परमितः वर्तते, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, कितना वर्ष, 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। आगे याद रखिएगा इस बात को, एग्जाम में बहुत बार आता है कि पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। बैठिए, लेट से आते हैं, कल से टाइम पे आइएगा। आगे देखिए, लिखा है कि अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षणम, यानी लिखा है कि अत्र, यानी कि यहाँ पर, कहने का मतलब है पाटलिपुत्र तीन क्षेत्र में विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकर्षण करके रखा है, ठीक है। कौन कौन क्षेत्र है, एक है राजनीति क्षेत्र, बोलिए कौन क्षेत्र है, राजनीति मतलब जानते हैं पॉलिटिक्स होता है, जहाँ पर नेतागिरी होता है, ठीक है। इसके बाद उद्योग क्षेत्र, उद्योग मतलब बिजनेस, ठीक है, व्यापार, और धार्मिक क्षेत्र, ठीक है, तीन क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में पाटलिपुत्र लोगों का ध्यान आकर्षण करके रखा है, ठीक है। आगे लिखा है कि वैदेशिका यात्रिण मेघास्थनीज फायान वेन संग इति सिंह प्रभृतया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु, यानी कहा गया कि वैदेशी यात्री, विदेशी यात्री कौन होते हैं, जो 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 भारत को छोड़ करके किसी और अन्य देश से भारत में घूमने के लिए आते हैं, तो पुराने जमाना में जो भारत था, जानते हैं, खास करके बिहार शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, यहाँ पर बहुत सारे विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब जानते हैं आप लोग, बहुत नामी नामी, जहाँ से विदेश के लोग पढ़ने यहाँ पर आया करते थे। तो जो लोग भारत को देखने के लिए आते थे, विदेश से घूमने के लिए आते थे, भ्रमण करने के लिए, जैसा कि मैक्स मुलर भी आया था ना, आपकी हिंदी की बुक में दिया गया है मैक्स मुलर की भारत यात्रा, तो इसमें कहा गया है कि जो विदेश से लोग घूमने आए थे भारत में, जिनमें नाम दिया है कि मेघास्थनीज का, फायान का, वेन संघ का और इति सिंह का, ठीक है। फायान और वेन संघ चीनी यात्री थे, ठीक है, और ये यूनान के राजदूत
सेमिघास्तनीज, ये लोग भारत घूमने आए थे। तो ये लोग भारत का वर्णन, यानी कि कहा गया कि पाटलिपुत्र, खास करके पाटलिपुत्र का वर्णन, जो लोग घूमने के लिए आए थे, यानी उस समय पाटलिपुत्र इतना समृद्ध था, बढ़िया था, कि जो लोग भारत में घूमने आते थे, जो पाटलिपुत्र आते थे, तो पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथ में जरूर किया करते थे। तो वहीं लिखा है कि ये लोग जो भारत घूमने आए थे, वेनसंग, मेघास्तनीज, फयान, इति सिंह, तो ये लोग अपने अपने ग्रंथ में पाटलिपुत्र का वर्णन किए हैं। यह पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते, यहाँ रिकॉर्डिंग चालू है ना, है ना, हम तो बताए नहीं था। चलिए देखिए, क्योंकि हम चालू नहीं किए थे, किए थे, अरे पता नहीं। देखिए यहाँ देखिए कहाँ गया, मेघास्तनीज यूनान के राजदूत थे, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, और इनका ग्रंथ का नाम है इंडिका, ठीक है, और इसी इंडिका में ये पाटलिपुत्र का वर्णन किए हैं। इसके बाद देखिए, फायान और रेनसंग चीनी यात्री थे, ठीक है, चीन से आए थे घूमने के लिए, ये लोग बौद्ध भिक्षु थे, यानी भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग थे, ठीक है, ये लोग आए थे। इसके बाद इति सिंह का तो हमको नहीं पता है। इसके बाद मतलब ये लोग चार लोग का वर्णन दिया है आपके बुक में, कि ये लोग पाटलिपुत्र आए थे घूमने के लिए, और इसका वर्णन अपने अपने पुस्तक में, ग्रंथ में किए हैं। आगे की पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते, इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का, यानी कि इसकी सुंदरता, इसका शोभा, इसके कह सकते हैं इसके गौरव का, इतिहास का सामान्य परिचय इस पाठ में दिया गया है, ठीक है। ये पाठ का परिचय, जिसमें आपको क्या क्या पता चला, इसमें यही पता चला कि हाँ, कि बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र वर्तमान समय में, और सभी ये सभी कालों में अपने महत्व को बनाए रखी है, ठीक है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, और यह धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में लोगों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षण करके रखा है। इसके बाद यहाँ पर जो भी विदेशी यात्री घूमने आए, मेघास्तनीज, फायान, वेनसंग, इति सिंह, ये लोग अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किए हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि इस पाठ में इस पाटलिपुत्र के बारे में हम लोग सामान्य परिचय, यानी कि सामान्य रूप से कुछ ना कुछ बातें जानेंगे। चलिए, तो ये था इस पाठ का परिचय। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए थोड़ा थोड़ा सीखे, ठीक है, ध्यान से सुनिए, पूरा सीख लीजिएगा। तो परिचय में आपको बहुत ज़्यादा याद रखने वाला बात नहीं है, बस याद रखने बात ये है, इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 25 वर्ष पुराना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ कौन कौन घूमने आए हैं, मेघास्तनीज, फयान, वेनसंग, इति सिंह, ठीक है। कि क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इनमें से कौन पाटलिपुत्र घूमने नहीं आए थे, ठीक है, तो नहीं आए थे दे देगा मेघास्तनीज, फयान, वेनसंग, एक देगा दे देगा कुछ भी, सिकंदर, कौन होगा ऑप्शन, पता रहेगा तब ना। सिकंदर पटना तक कहाँ पहुँचा था, उधर से लौट गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब शुरू करते हैं। ये था परिचय। अब परिचय के आगे जो दिया गया है, यानी चैप्टर का शुरुआत, फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, पढ़ते हैं हम इसको। लिखा कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्र अनुगंगम वसद विचित्रम महानगरम वभू। लिखा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक अद्भुत नगर हुआ करता है, मतलब था उस समय प्राचीन भारत में ही। प्राचीन भारतीय नगरों में, यानी कि प्राचीन काल में जो भारत में नगर थे, उनमें से एक नाम पाटलिपुत्र का भी था, और यह पाटलिपुत्र किसके किनारे था, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। इस तरह देखिए कुछ फिगर निकाले हैं कि प्राचीन भारतीय नगरों में प्राचीन काल में किसका शासक था, मतलब शासन था, ठीक है, जो भी राजा महाराजाओं का होगा। देखिए यहाँ पर ऊंट पर आदमी बैठा हुआ है। इसके बाद देखिए, यानी कि गंगा के किनारे एक तरह से कहे तो समृद्ध नगर था इस तरह का कुछ पाटलिपुत्र, यहाँ पर नाव सब है, बहुत सारा है ना। तो बस एक फिगर के माध्यम से दिखाए हैं कि इसी तरह गंगा नदी होगी उस समय, और एक नगर था बहुत ही समृद्ध पाटलिपुत्र प्राचीन काल में भी, ठीक है। चलिए लिखा है आगे कि तत् विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीम ताखे काव्ये कथयति। इसके विषय में, यानी पाटलिपुत्र के विषय में, एक दामोदर गुप्त नाम के कवि है। क्या नाम है, बोलिए जोर से, दामोदर गुप्त। हाँ, ये नाम याद रखिए दामोदर गुप्त का, ठीक है। तो दामोदर गुप्त नाम के कवि है, जो अपना एक काव्य लिखे है, इसका नाम है कूटनीम ताक है नाम है उनके काव्य का,
और उसके आप में क्या कहते हैं आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे कहते हैं द कौन कहते हैं किस काव्य में कहते हैं उदनीम ताख नामक काव्य में कहते हैं। देखिए लिखे कि अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। ठीक है देखिए एक बात फिर से बोल देते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते हैं पहले से जो भूल चुके हैं वे लोग जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको पकड़ने का यानी कि अपने माइंड में जो जो अभी तक हम बताए हैं उसको रन करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है यानी कि हम अभी बताए अभी आप भूल जाइएगा तो इस गलत बात हो जाएगा, मतलब कि अभी हम बता रहे हैं जो आप सुने अभी फिर तुरंत भूल भी गए तो फिर आप मतलब होता ना एक चैन वाइज पढ़ रहे हैं शुरू से उस तरह से आप अपने आप को पीछे के बातों से लिंक नहीं कर पाइएगा, इसलिए क्या कीजिएगा मन में चलाते रहिएगा बात जो पीछे पढ़े। ठीक है तो ये लाइन कौन बोलते हैं दामोदर गुप्त बोलते हैं और किस काव्य में ठीक है बोलते हैं कि अस्ति मही तल तिलकम यानी मही मतलब तल तिलकम मही पृथ्वी। ठीक है यानी पृथ्वी का तिलक है कहने का मतलब पृथ्वी का मूल स्थान केंद्र बिंदु कौन है पाटलिपुत्र। ठीक है अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुल गृह महानगरम और एक ऐसा महानगर है जो सरस्वती जी का भी कुल गृह है। कुल गृह कहने का क्या मतलब है हाँ यानी सरस्वती जी का यहाँ पर विशेष कृपा है और सरस्वती यहाँ पर निवास करती है यानी सरस्वती जी का मूल निवास स्थान है। ठीक है ऐसा लेकिन नामना पाटलिपुत्रम ठीक है इसका नाम है पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र क्या होता है इंद्र। इसको भी एग्जाम में आता है कभी कभी आता है कि पुरंदर का क्या अर्थ होता है तो इंद्र तो कहा जा रहा है इंद्र कहाँ के राजा है किसके राजा है देवताओं के राजा है तो उनका देखिए पुरंदर स्थानम पुरंदर का स्थान क्या होगा जब देवताओं के राजा है तो कहाँ रहते होंगे हाँ स्वर्ग लोक में। ठीक है इंद्र लोक में रहते होंगे उनका जो स्थान होगा तो इस तरह से कुछ उनका स्थान दर्शाया गया है कितना अच्छा स्थान है ऐसा स्थान होगा कहीं पे धरती पे यहाँ पर कौन कौन जाना चाहेगा आप चलिए देखिए तो कवि दामोदर गुप्त कवि लोग तो आप लोग जानते ही हैं कवि के पास इतना सोचने का शक्ति रहता है उन लोगों का इमेजिनेशन पावर इतना हाई रहता है कहते हैं ना जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि तो उन लोगों का इतना सोचने का होता है ना थिंकिंग लेवल तो जो दामोदर गुप्त है वे इस बात से मतलब कहना चाहते हैं कि पाटलिपुत्र कैसा स्थान है जो स्वर्ग लोक से भी अच्छा है यानी इंद्र देवताओं के जो राजा इंद्र है जो उनका स्थान है उस स्थान से भी अच्छा कौन है पाटलिपुत्र ऐसा कौन कहते हैं यानी कि अस्ति मही तल तिलकम यानी कि मही तल पृथ्वी का केंद्र बिंदु है तिलक है सरस्वती जी का निवास स्थान है घर है कहाँ पाटलिपुत्र में और मतलब घर है पाटलिपुत्र ऐसा कहने का मतलब उनके घर सरस्वती जी नहीं बनाई है मतलब वहाँ निवास स्थान है ऐसा उनका भाव है और नगर का नाम है पाटलिपुत्र और एक ऐसा स्थान है जो इंद्र के स्थान से भी अच्छा है। ठीक है हाँ अच्छा है सुशोभित थे कहने का मतलब वही है तो आप लोग इसको समझे कि दामोदर गुप्त क्या कहे थे समझे ना हाँ भैया तो ठीक है इसका अर्थ तो हम नहीं लिखाएंगे अगर इसको लिखना होगा तो वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर डाल देंगे इसको तो रुक करके अर्थ लिख लीजिएगा यानी कि कह सकते हैं कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु अर्थात तिलक सरस्वती जी का मूल निवास स्थान महानगर जिसका नाम है पाटलिपुत्र और एक ऐसा स्थान है जो इंद्र के स्थान से यानी कि स्वर्ग लोक से भी अच्छा है श्रेष्ठ है। ठीक है ऐसा इतना बात समझ में आया कोई दिक्कत चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें कहा गया है क्या कहा गया देखिए लिखा है कि इतिहास से श्रूयते यत इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में किसके समय में देखिए बुद्ध का आप लोग तो देखे होंगे इस तरह से ये भगवान बुद्ध है। ठीक है और जब ये इनका जब ये थे यानी जब ये जिंदा थे तब उस समय गंगा नदी के किनारे एक गांव था इसका नाम था पाटली ग्राम क्या नाम था गांव का पाटली ग्राम। भगवान बुद्ध का जो है हमको लगता है जन्म जैसे कि ईसा पूर्व सब में हुआ है
583 ईसा पूर्व है, बहुत पहले, ठीक है ऐसा। तो देखिए महात्मा बुद्ध के समय भी गंगा नदी किनारे वो गांव था एक, जिसका नाम था पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी किनारे किस, मतलब कौन सा गांव था? पाटलीग्राम। लिखा है कि यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतः, वहां पर भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे, ठीक है। कहाँ पर? पाटलीग्राम में, ठीक है। लिखा है कि तेन कथितम आसित, वे कहा करते थे कि यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, कि यह जो गांव है, यद ग्रामो अयम यानी कि यह गांव महानगरम भविष्यति, महानगर होगा, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। देखिए आपको इस दिन वीडियो दिखाए थे और बोले थे लिखने, तो लिखे थे ना, उसी तरह अभी अभी क्या बात कर रहे हैं, अभी अगर आप अच्छा से सुनेंगे तो फिर आप अपने सेंसर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि याद करना, अगर आप समझ के दिमाग में रखते हैं तो वहीं याद करना होता है, ठीक है। तो देखिए इनके समय, किनके समय कौन है? भगवान बुद्ध। गंगा नदी किनारे एक गांव था, क्या नाम था? पाटलीग्राम। और ये भगवान बुद्ध उस गांव में बहुत बार जाते थे, ठीक है, बहुत बार जाया करते थे। और ये हमेशा कहते थे, क्या कहते थे ध्यान सुनिएगा, एग्जाम में पूछता है, ये हमेशा कहते थे कि आने वाला समय में यह जो पाटली ग्राम है वो एक महानगर होगा। क्या होगा? ऐसा कौन कहते थे? भगवान बुद्ध। लेकिन आगे बोलते हैं कि किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जल पुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। लेकिन कहते हैं भगवान बुद्ध, आपसे अगर आएगा एग्जाम में तब लिख लीजिएगा ना अपने से ना, याद नहीं करना पड़ेगा, रटा नहीं मारना पड़ेगा। चलिए तो भगवान बुद्ध पाटलीग्राम में बहुत बार जाते थे और कहते थे कि आने वाले समय में यह गांव यानी कि पाटलीग्राम एक महानगर होगा। किंतु कलहस्य, कलह मतलब झगड़ा, ठीक है, ध्यान रखिए तीन टू पॉइंट है, कलहस्य यानी कि झगड़ा, अग्निदहस्य यानी कि आग, ठीक है, और जल पुरस्य यानी कि जल का बहुत अधिक हो जाना, उसको क्या कहते हैं? बाढ़। बहुत अधिक जल होगा तो बाढ़ जाएगा ना, तो बाढ़ का च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, यानी इन चीज़ों का, इन तीनों चीज़ों का हमेशा से यहाँ पर डर बना रहेगा। किन किन चीज़ का? कला का, जी, तभी बिहार में तो बाढ़ वैसे आता ही है, ठीक है। पाटलिपुत्र में भी इस बार सुने थे बाढ़ आया था, पिछले साल जब कोरोना इस लॉकडाउन था उस दिन बाढ़, उस समय आया था बाढ़ शायद। और कला तो हाए दिन होते रहता है, जब मतलब इधरों कल BPSC के स्टूडेंट सबको मार मार के भगाया लाठी से पुलिस सब, ठीक है। इसके बाद अग्निदाह से तो ये तो मतलब कभी कभी होता ही होगा, जब भगवान बुद्ध बोले थे तो होता ही होगा, अब इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। चलिए इतनी आपको बस याद रखना है कि भगवान बुद्ध कहते थे कि यहाँ पर कला होगा, आग लग सकता है और यहाँ पर बाढ़ आने का डर बना रहेगा। कहाँ पर? ठीक है। आगे की कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलीपुत्रम इति कथितः, यानी कि कालांतरेण समय बढ़ते गया, समय के अंतर में यह जो पाटलीग्राम था एक समय पाटलीपुत्र कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? पाटलीपुत्र। हाँ, कौन ग्राम? पाटलीग्राम, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसित इति। लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, किस शासनकाल में? पाटलीपुत्र की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। कैसी थी? याद रखिएगा कि चंद्र, किस क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में पाटलीपुत्र की रक्षा एवं शोभा व्यवस्था अति उत्कृष्ट, किसके शासनकाल में? जी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आगे लिखा है कि यूनान राजदूत मेघास्तनीज स्व संस्मरणेशु निरूपयति, यानी कि ऐसा यूनान के राजदूत मेघास्तनी जो भारत घूमने आए थे और पाटलीपुत्र आए थे, वे लिखते हैं अपने संस्मरण ग्रंथ इंडिका में कि किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलीपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्कृष्ट थी, ठीक है। चलिए इतना तो समझे ना। आगे लिखा है कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, और इसी नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अशोक के समय, किसके समय? अशोक के समय सुतराम समृद्धम, यानी कि इनसे भी अधिक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कैसा था? अति उत्कृष्ट, और अशोक के समय उनसे भी अधिक समृद्ध था,
इसलिए कहा गया है सुतराम समृद्धम, यानी कि और अधिक समृद्ध। बात समझे? तो ये बताया गया इसमें। चलिए, इतना तो कोई दिक्कत। और आगे लिखा है, पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत, यानी कि बहुत समय से, वर्षों से, ठीक है, पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलते आ रही है। प्रवर्तत यानी कि बनी रही। ऊपर में जो दामोदर गुप्त है वे क्या कहते हैं, इन दोनों का बात मिला जुला हुआ है। दामोदर गुप्त कहते हैं ना कि यहाँ सरस्वती जी का मूल निवास स्थान है, कहते हैं ना। तो बाद में राजशेखर भी वही बात को बोलते हैं कि प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र की सरस्वती परंपरा चलते आ रही है। यानी कि ये जो सरस्वती परंपरा, यानी विद्वानों का इस धरती से आना, जो यहाँ से लगातार जो होते रहे, यानी कि विद्वान लोग अपने प्रतिभा को, यानी सरस्वती जी के ज्ञान को, सरस्वती जी के दिया मतलब द्वारा दिया गया ज्ञान को लेकर के संसार में अपने नाम को उजागर करते रहे। कहने का मतलब यही है कि सरस्वती परंपरा चलते आ रही है। तो वही लिखा है कि बहुत समय से पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलते आ रही है। इति राजशेखरा, देखिए थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। इति राजशेखरा स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे साधारण स्मृति, ठीक है। देखिए, ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में लिखते हैं। और काव्य मीमांसा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हार्ड क्वेश्चन पूछेगा ना, इस तरह से पूछ सकता है कि काव्य मीमांसा कैसा ग्रंथ है, कवि शिक्षा। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक बार अभिनय से पूछे थे ना, देखिए यहाँ पर लिखा है कि काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं। यानी कि राजशेखर ऐसा कहते हैं काव्य मीमांसा में कि पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलते आ रही है प्राचीन काल से, ठीक है। और ऐसा कौन कहते हैं, किस काव्य में, काव्य मीमांसा कैसा ग्रंथ है, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। तो ये सब बात है। दो व्यक्ति आए हैं पाटली इस चैप्टर में, एक है दामोदर गुप्त जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कुटनिमता, क्या लिखते हैं, हाँ, और एक है राजशेखर जो क्या लिखते हैं, काव्य मीमांसा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बात है कि इसमें अगर कोई पहली बार पढ़ रहे होंगे ना, तो इसमें बहुत सारा बात है, इस चैप्टर में बहुत सारा बात है, तो सबको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा एक बार में, लेकिन अगर प्रयास कीजिएगा तो संभव है। क्या खोज रहे हैं, फोन क्या कीजिएगा, फोन कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 19 स्लाइड है, जल्दी जल्दी पढ़ना होगा। देखिए राजशेखर अब क्या कहते हैं आपके सामने है, बोलते हैं कि अत्र वर्ष उपवर्षो इह पाणिनि पिंगलो इह व्याधि वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति उपजगमु, ठीक है। किसी के पास बुक है, दिखाइएगा तक मैं थोड़ा सा अनवय देखेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि पिछला बार जो हम पढ़ाए थे ना, तो एक आदमी का नाम नहीं लिखाए हैं। अनवय दिया इसमें, इस चैप्टर में अनवय दिया ही नहीं है। चलिए देखिए, छोड़िए लिए, नहीं देखिए, सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए भैया, जो इसमें बता रहे हैं उनका रैंक, देखिए इस बार हम थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करके पढ़ा रहे हैं, ए टू जेड पॉइंट को देख करके। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि और एक परीक्षित है, कौन है, परीक्षित, ठीक है। परीक्षित का नाम सुने आप लोग, सुने ना, परीक्षित का नाम नहीं सुने हैं, कलयुग का शुरुआत कैसे हुआ है, राजा परीक्षित के मरने पर, राजा परीक्षित के पूर्वज कौन थे, पांडव लोग, ठीक है। और राजा परीक्षित को एक दिन कलयुग से भेंट हुआ, ठीक है, तो वो बोला हमको स्थान दीजिए, वो बोला कि हम आपके राज्य के निवासी हैं तो हमको स्थान दीजिए, तो बोले कि तुम
चोरी क्यों हुआ हुआ सामान सब में रख सकते हो, जहाँ पर जुआ तुआ होता है, जहाँ पर लोग दारू सब पीता है वहाँ पर तुम रख सकते हो। लेकिन जो राजा परीक्षित का मुकुट था, उसी मुकुट व मुकुट मतलब युद्ध होकर के आया हुआ था, किसी पापी से युद्ध हुआ था पांडव लोग का, फिर उसका जो जरासंध से नाम सुने पता नहीं किससे किससे युद्ध हुआ था, तो मुकुट मतलब अच्छा से प्राप्त हुआ नहीं था। ठीक है, होता अनिष्ट इष्ट लाभ अभिनगत जाते सुबह पढ़े ना बाघ वाला चैप्टर में, तो वो मारपीट करके लाया हुआ मुकुट था, तो उसी मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया था। आप लोग अगर कोई देखे होंगे विष्णु पुराण, कोई नहीं देखे हैं, देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए ये सब चीज़। तो थोड़ा सा बताते हैं, फिर परीक्षित के सर पे जब मुकुट था उसमें कलयुग प्रवेश कर गया, तो परीक्षित क्या किए थे, जो ऋषि थे तपस्या कर रहे थे, तो उनके मुंडी पर मरा हुआ सांप जाकर डाल दिए थे, सब उनका जो पुत्र देखा तो श्राप दे दिया था। और वहीं परीक्षित के उद्धार के लिए, ठीक है, भगवद गीता का स्मरण चालू हुआ था दुनिया में, सनक सनातन सुख सौनक पता नहीं हमको याद नहीं, ऋषि लोग थे इतने सारे ऋषि लोग, वे लोग बोले कि अगर आप भगवद गीता का सुनिएगा, भगवत को सुनिएगा तो आपको मोक्ष मिल सकता है, ये सब बात। तभी से इस संसार में संत के दुनिया में जो साधु लोग हैं वे लोग भगवद गीता का प्रसार प्रचार करते हैं, ये सब बात। चलिए, तो कहने का मतलब यही है कि पाटलिपुत्र में इस पाठ में राजशेखर नाम के कवि एक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ काव्य मीमांसा में कहते हैं कि यहाँ पर वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि और परीक्षित, ठीक है, जो हम पहले नहीं लिखा थे, ये लोग पाटलिपुत्र से ख्याति प्राप्त किए हैं। क्या प्राप्त किए हैं? ख्याति, यानी यहाँ से अध्ययन करके प्रसिद्धि प्राप्त पूरे दुनिया में किए हैं, क्योंकि पाटलिपुत्र सरस्वती जी का क्या था, मूल निवास स्थान था। ठीक है, ये सब बात है, बात समझे, समझ में आया। चलिए, कॉपी में जहाँ लिखे होंगे आप सब तो नोट्स बनाए ही हैं, बनाए ना जी, हम पिछले बार बोले थे एक एक बात आपको लिखाएंगे, तो लिखाए भी थे क्वेश्चन से सब कुछ, जो भी हो सका था उसमें सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद देखिए, इसके आगे जो पैराग्राफ है, ये क्या चीज़ का फूल है, अगर गुलाब के फूल में से ये सब निकाल दोगे तो क्या होता है, निकल जाता है यार निकल निकाल बात निकलेगा नहीं वही बात है चलिए यहाँ देखिए आगे लिखा है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कहा गया है कि कतिपयेषु कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। क्या नाम प्राप्त होता है, जोर से बोलिए, पुष्पपुर और कुसुमपुर। ठीक है, लिखा है आगे लिखा है कि अनेन ज्ञायते और भी ज्ञात होता है यत नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म, यानी कि इस नगर के समीप इस नगर के नज़दीक में पुष्पों का बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था। किस नगर के समीप, पुष्पपुर और कुसुमपुर के नज़दीक वहीं, ठीक है, इस समय पाटलिपुत्र उसका नाम नहीं पड़ा है। ठीक है, तब आगे लिखा है कि पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना आश्रित्य प्रचलित, यानी कि पाटलिपुत्र जो शब्द है, जो हम लोग इस चैप्टर का नाम है ना पाटलिपुत्र, तो ये पाटलिपुत्र जो शब्द है पाटलिपुत्रम इति, यानी कि पाटलिपुत्र इति ऐसा शब्द पाटल पुष्पों के, किस पुष्प का, पाटल, और पाटल पुष्प का अर्थ निकलता है गुलाब का फूल, किसका फूल, गुलाब का फूल, जो यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना गुलाब का फूल, तो इसी पाटल इसी गुलाब के फूलों का इसी पुष्प का उत्पादन उस पाटलिग्राम के चारों ओर हुआ करता था, यानी वहाँ पर हुआ करता था जिसी के, देखिए लिखा है कि पाटल पुष्पानाम पुतलिका, क्या लिखा है, पुतलिका। ठीक है, पिछले बार हम याद करने के लिए बताए थे कि पाटल पुष्पों से पुत्र बनाते थे। ठीक है, तो पुतली भी वही होता है। ठीक है, पुतली पुतला बना दो किसी का, आदमी का पुतला बना दोगे, ठीक है, लेकिन पुतली उसको कहते छोटा रूप में बने, पुतला तो बड़ा हो गया ना, पुतली यानी छोटा सा बच्चों को खेलने के लिए होता है ना, गुड़िया डॉल,
होता है ना। अरे आज ना अंग्रेज वाला सब गुड़िया आता है ब्लू ब्लू आँख वाला, पहले नहीं था ना वो सब। तो पहले फूल का ही लोग गुड़िया बनाते थे खेलने के लिए। हाँ पुष्प पुष्प फूल मतलब पुष्प, इतना भी नहीं पता है। ठीक है ठीक है। तो देखिए पाटल यानी गुलाब, वही इंग्लिश में बोले तो रोज, इस रोज के पुष्प का यानी रोज नामक पुष्प का पाटलिपुत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था। इसी कारण से वहाँ के लोग इसका पुतली बनाते थे और इसी पुतली बनाते बनाते वहाँ का नाम पड़ गया पाटलिपुत्र। क्या पड़ गया? पाटलिपुत्र। ठीक है, याद रखिएगा, इतना बात याद रहेगा ना। चलिए आगे लिखा है कि शरद काले, शरद ऋतु यानी कि अभी जो ऋतु चल रहा है ठंडा के दिन में, ठीक है। नगरे अस्मिन, इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। यानी कि शरद ऋतु में ठंडा के समय में शीत ऋतु में इस नगर में, किस नगर में? पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव नाम का एक महान समारोह मनाया जाता था गुप्त वंश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यही से पूछता है कि किसके शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? गुप्त वंश के। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद लिखा है कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहाँ पर सभी लोग आनंद मग्न मतलब आनंद मग्ना आनंद में मगन हो जाया करते थे। ठीक है, संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। और आज के समय में वैसा समारोह दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा जाता है। ठीक है, यही कहा गया है। यानी उस कौमुदी महोत्सव का तुलना किस पर्व से किया गया है? दुर्गा पूजा से किया गया है। यानी कि गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में जो महोत्सव मनाया जाता था वहाँ पर जैसे लोग आनंद में मग्न हो जाते थे वैसा ही उत्सव आजकल दुर्गा पूजा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, यही कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए और भी पढ़ना ढेर सारा और भी है। चलिए दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम पढ़ाते हैं। क्या हो गया? देखिए लिखा कि काल चक्रवसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम भूत। लिखा गया है कि फिर काल रूपी जो पहिया है आगे बढ़ता गया और मध्यकाल आया। कौन काल आया? मध्यकाल। और मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमितम यानी कि लगभग हजार वर्ष तक, कितना वर्ष तक? हाँ, जीर्णताम भूत यानी कि वहाँ का जो विकास था पाटलिपुत्र जो प्रगति था वह पूरा रुक चुका था और वहाँ का स्थिति पूरा जर्जर हो चुका था। जर्जर का एक और चर्चा हुआ है, कर्मवीर कथा पढ़े हैं ना, उसमें कुटिया का स्थिति कैसा था? जर्जर। जर्जर मतलब केवल धूप था बारिश से नहीं। जी, और अगर तुम थोड़ा सा अंदाजा लगाओ तो क्या बोल सकते हो उसको? कमजोर, कमजोर, टेढ़ा मेढ़ा, जिसे कहीं से छेद हो ऐसा टाइप का, ऊपर जो होता है कुटिया का इस तरह ढका हुआ वो थोड़ा टेढ़ा हुआ, ऐसा कह सकते जर्जर स्थिति, सड़ा हुआ। हाँ वही सब बात है। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र का स्थिति जर्जर कहने का मतलब ये है कि यहाँ का विकास पूर्ण रूप से बाधित हो चुका होगा, यहाँ के लोगों का स्थिति खराब हो चुका होगा, यहाँ के लोग समृद्ध नहीं होंगे, यहाँ पर लूटपाट सब होता होगा बहुत अंग्रेजों के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा, मुगल उससे पहले आए थे वो भी कम, भारत को नहीं लूटे हैं, बहुत लूटे हैं। चलिए अभी मुगल सब का शासन कहाँ है? शासन कहने का उसका पूर्वज कहाँ है? अफगानिस्तान सब में, अफगानिस्तान सब में वहीं से आया था सब। चल वही अफगानिस्तान तालिबान वही सब है, अभी भी वो लोग आतंकवादी है, चेहरा देखोगे तो आतंकवादी लगता है सब देखने में। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, फोकस यार। चलिए आगे ऐसा संकेत सुनिए, कहा जा रहा है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग हजार वर्ष तक अवरुद्ध हो चुका था, ऐसा संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथों में मिलता है। उसमें से एक ग्रंथ है, इसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस में भी ऐसा संकेत मिलता है कि पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग 1000 वर्ष तक अवरुद्ध हो चुका था। लिखा कि मुगल वंश काले अस्त नगर समुदारो जाता
जब मुगल का शासन काल आया इस नगर में, इस नगर का थोड़ा सा उद्धार हुआ, ठीक है। इसके बाद जब अंग्रेज का शासन आया तब पाटलिपुत्र से सुधराम विकास हो जाता, तब पाटलिपुत्र का कुछ और अधिक विकास हुआ, ठीक है। सब गोल घर सब कौन बना था पाटलिपुत्र में? सब अंग्रेज सभी बनवाया था, ठीक है। आगे लिखा है कि नगरम इधम मध्य काले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धिम आगता। लेकिन इस नगर का मध्य काल में यह नगर पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? किस काल में? हाँ, याद रखिएगा, हमको पता है, हमको याद है कि हम इस 2018 में क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में, हम इसको नहीं बना पाए थे, इसलिए हम तुमको बोलते हैं, हमको पता नहीं था क्या होगा नहीं होगा। तो याद रखिए आप लोग कि पटना नाम किस काल में पड़ा था? मध्य काल में, ठीक है। शायद हो सकता है कि आ जाए 4 साल बाद। इसके बाद लिखा है कि अयम च शब्द पतनम इति शब्दात निर्गत, यानी यह शब्द जो है, यह पतनम इति शब्दात, यानी कि यह शब्द पतनम शब्द से आया है। देखिए, समझिएगा, बिहार बोर्ड के द्वारा देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का इतिहास 1000 वर्ष तक पूरा खराब था, स्थिति वहाँ खराब था, यानी वहाँ का पतन हो चुका था ऐसा, ठीक है। पतन मतलब क्या होता है? देखिए, दो चीज़ होता है, एक पतना मतलब बंदरगाह भी होता है और एक पतन मतलब बर्बाद, ठीक है, उस तरह से। तो हम कल इसको बहुत अच्छा से अध्ययन किए, तो जैसे कि बिहार बोर्ड के जो विद्वान लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर पतन मतलब बर्बाद हुआ। क्या हुआ? बर्बाद। देखिए, तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग हजारों वर्ष तक बर्बाद था, यानी वहाँ का विकास रुक चुका था। तो आगे कहा गया, उन लोगों का ये कहना है कि पतनम यानी कि पतन होने के कारण मध्यकाल में हजारों वर्ष तक उसका पतन हो गया था, इसी पतन से यहाँ का नाम पटना बना। क्या बना? जब देखिए मध्यकाल में ही नाम क्या पड़ा? पटना पड़ा था ना। कब पड़ा पटना ना? मध्यकाल में। और स्थिति खराब किस काल में था? मध्यकाल में ही था ना। तो मध्यकाल में पटना का पतन हुआ था, इसी कारण से वहाँ का नाम फिर पटना पड़ा। क्या बना? पटना। और किस शब्द से बना? पतनम शब्द से। पतन, वही पतन शब्द से क्या बना? पटना। याद रखिएगा ना कि मध्यकाल में हजार वर्ष तक पटना का पतन हो चुका था, और इसी पतन के कारण मध्यकाल में उसका नाम क्या पड़ा? पटना पड़ा। समझ में आया? चलिए आगे है कि नगर से पालिका देवी पटन देवी इति अद्यपि पूजते। नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। दिख रहा है? थोड़ा दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। हाँ, देखिए पटना की पालिका देवी है, पटन देवी है, जो पटना में आज भी पूजी जाती है, ठीक है। पटन देवी का नाम आप लोग गाना इस सब में सुने होंगे, ठीक है, सुने होंगे ना, अगर कोई भोजपुरी गाना सुनते होंगे तो पटन देवी का नाम सुने होंगे। पटन देवी का नाम सुने है ना? चलिए ठीक है। अच्छा। तो यहाँ है पटन देवी, आप लोग देख भी लीजिए, दूर से दिख रहा होगा। हाँ, 3 ठो है मूर्ति। चलिए बातचीत नहीं, और थोड़ा देर है, 10 मिनट शायद लगेगा। हल्ला नहीं, कितना मिनट तक हुआ है? हाँ, दिख रहा है, चालू नहीं है, 38 मिनट हो गया है, हल्ला नहीं। चलिए और 10 मिनट प्रयास करेंगे। देखिए लिखा है आगे कि संप्रति यानी कि आजकल इस समय पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। यानी आज के समय में पाटलिपुत्र ये पटना नाम का जो नगर है, यह एक विशाल नगर है और बिहार की राजधानी भी है, हम लोग जानते ही हैं। आगे अनुदिनम नगर से विस्तारम भवति आये दिए, यानी कि दिन प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति, कौन समास होगा? अनुदिन में कौन समास होगा? अरे अनुदिनम दिनम दिनम प्रति, अनुदिन मतलब क्या हुआ? इसमें अब यही भावी समास होगा, ठीक है। अनु उप ये सब जहाँ लगा रहेगा अभेद होता है, शांत। तो
यानी कि आए दिन दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होते जा रहा है। यानी कि नगर बनता तो क्या, नगर के अगल बगल में जो भी घर बिल्डिंग बनेगा यानी कि विस्तार उसका होते रहा है। वहीं कहा गया है अस्त उत्तर श्याम दिशा गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमा सेतु, यानी उसके ऊपर याद रखिएगा पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, किस दिशा में, हाँ ये क्वेश्चन भी आता है। और इसी गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, ठीक है, गांधी सेतु बना है, पुल का क्या नाम है, हाँ चलिए। और किमच रेलयानु सेतु पे निर्मियानो वर्तते, और उसके ऊपर रेलयान सेतु यानी कि रेल पार होने के लिए पुल जो है उस बनने का काम जारी है, ठीक है। इसके बाद देखिए कहा गया है कि इस नगर में बहुत कुछ है, ठीक है, क्या क्या है देखिए, इस नगर में सचिवालय है, क्या है, सचिवालय, संग्रहालय। सबसे पहले देखिए ये क्या चीज का फोटो है, ये संग्रहालय का फोटो है, किसका फोटो है, संग्रहालय, संग्रह, संग्रह जानते हैं ना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, संग्रहालय म्यूजियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें यही होता है कि प्राचीन जो धरोहर है वैसी वस्तुएं हैं जो प्राचीन काल में जिसका प्रयोग हुआ है, जो प्राचीन काल में थी, अभी उसका अस्तित्व बचाए रखने के लिए उनको एक जगह रखा जाता है, यानी कि संग्रह किया जाता है, उसी को संग्रहालय कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ देखिए ये पटना का संग्रहालय है, हम फिर बाहर से देखे अंदर तो हम भी नहीं गए थे इसका, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्या है ये, तोप है यार, तोप, हल्ला नहीं, दो चक्का है ना, इसमें एक नाली निकला हुआ, इसमें पीछे से डाला जाता है, इधर से निकलता है, हाँ ठीक है। तो ऐसा होता है और संग्रहालय है, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसी वस्तुएं मतलब वस्तु रखा गया होगा जो पुराने जमाने का होगा, ठीक है। तो पटना में क्या है, संग्रहालय, क्या है, ये संग्रहालय है, क्या है, हाँ याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ये है हाई कोर्ट, क्या है, उच्च न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय, न्यायालय, क्या है, उच्च न्यायालय, ठीक है। प्रत्येक जिला में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है, और प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, ये पटना का हाई कोर्ट है, क्या है, कैसा दिख रहा है, तो पाटलिपुत्र में संग्रहालय है, न्यायालय है ना, और देखिए और ये है सचिवालय, क्या है, सचिव का आलय है, सचिवालय मतलब घर से होगा, अब आएगा, छोड़िए, ये सचिवालय क्या है, सचिवालय है, तो सबसे पहले दिखाए संग्रहालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद सचिवालय, सचिवालय में किसका फोटो लगा हुआ है, हमको लग रहा है अम्बेडकर जी का है, पता नहीं किसका है, हाँ सरदार पटेल का लगता है क्या, चलिए तो ये देख लीजिए आप टावर सब कितना शानदार दिखता होगा, इसमें 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 नेता लोग रहते हैं, कौन रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीतीश कुमार रहते हैं, ठीक है, सचिवालय यानी कि सचिव का आलय, ठीक है, हाँ सभी मंत्री लोग इसमें रहते हैं। इसके बाद ये क्या है, क्या है, गोलघर, लेकिन अभी इतना अच्छा दिख रहा है ना, वहाँ पे एकदम पूरा काला हो चुका है, हम एक हो गया कुछ महीना पहले पटना गए थे, पूरा काला काला हो गया है, यहाँ से चढ़ते हैं यहाँ पे गोल गोल और यहाँ पे ऊपर जाओगे तो पूरा हवा लगेगा और उधर उत्तर से हमें गंगा नदी दिखती है, हम सीढ़ी उधर से भी है, इधर से भी है, फिर उधर से भी है, ठीक है, ठीक है, हम गए थे पटना इसमें चढ़े हैं, ठीक है, पूरे परिवार साथ गए थे, सब कुछ गए थे, सुनो ना, और सबसे पहले मेरा भाई कृष्णा चढ़ा था उस पर, सबसे पहले छोटा था सबसे पहले चढ़ गया था, आधा नहीं आगे, ये क्या है, तारा, यहाँ पे 21 ग्रह के जैसा दिख रहा है,
शनि ग्रह की बृहस्पति ग्रह चालू क्या होता है उसका छदा होता है ना। देखिए ते तारामंडल क्या है, तारा मंडल किसी का नाम नहीं है ठीक है, ये तारा मंडल किसी का नाम नहीं है, ये तारा मंडल दिख रहा है ना, इसमें जितने भी आकाशीय पिंड है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है ठीक है, जानते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं आगे, पटना का चिड़ियाघर है यहाँ पर क्या है ये क्या है, नागपसिंह है, डायनासोर, हिंदी बोलो हिंदी, गेंडा 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 नागपसिंह रहता है ना, तो फिर इसके बाद तो जिराफ है और ये तो जानते करते हो। हाँ एक बात, पटना में शांत शांत ये जगह सुनिए, पटना में जैविक उद्यान है ना जानते हैं ना, तो आपसे एक और क्वेश्चन कभी पूछा था जैविक उद्यान का नाम क्या है, हाँ याद रखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान याद रखिएगा। चलिए ठीक है आगे देखिए, ये क्या है, गुरुद्वारा क्या है, गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है, जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, और वही सुन लीजिए मजाक नहीं हंसिए नहीं एक मिनट सीरियस सुनिए, हाँ मतलब गंभीर क्वेश्चन आता है कि सिख संप्रदाय के लिए पाटलिपुत्र क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको यही लिखना होगा कि यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, इसीलिए यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है ठीक है। कभी जाना पटना के भी जाना, अगर फ्री में खाना खाना होगा चल जाना, लंगर होता है हमेशा फ्री में खाना मिलता है, लंगर फ्री का भोजन। चलिए इसके बाद ये क्या है, हाँ ये सब मौर्य काल का अवशेष है ठीक है, कुछ भी मुंडी टुंडी वहाँ उस समय जो भी बनाया जाता था जो समझो ये सब मौर्य काल में सब बनाया जाता था यही सब है। अरे मौर्य काल मतलब सोच रही हूँ कब कितना इसमें पूर्व सब पहले का है, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सबके समय का। इसके बाद जानवे करते हैं कौन है, तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से दर्शनीय स्थल छूटना नहीं, आपने लिख लीजिएगा सब कुछ। देखिए सबसे पहले क्या है, संग्रहालय, क्या है संग्रहालय, इसके बाद उच्च न्यायालय, इसके बाद सचिवालय ठीक है, इसके बाद गोलघर, इसके बाद जैविक उद्यान, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, एक चीज छूट गया, महावीर मंदिर ठीक है, महावीर मंदिर भी है, जैसे पाटलिपुत्र उतरेगा स्टेशन पे, स्टेशन के जस्ट बगल में ये है महावीर मंदिर ठीक है, तो छूट गया। इसके बाद आगे बस यही बुक में कहा गया है कि प्राचीन काल से जो है पाटलिपुत्र अभी तक अपने कार्य को यानी कि अपने सभी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, और इसका अगर आपको प्रमाण देखना है कुछ साक्ष्य देखना है तो आप पाटलिपुत्र के संग्रहालय में जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर के माध्यम में यही सब बात बताया गया है, समझ में आया। चलिए तो इससे जो बनेगा ऑब्जेक्टिव उसको देखें, चलिए देखते हैं अपने से मनाइएगा ठीक है। चलिए ऑनलाइन जो इस वीडियो को देखेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।